नमस्कार, द एसएमई एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पीयूष श्रीवास्तव। कुछ ही दिनों में यूनियन बजट आने वाला है। इस बजट से हर बार की तरह इस बार की क्या सटीक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस सेक्टर के लिए, और इस पर चर्चा करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान मेरे साथ यहाँ पर हमारे साथ है। आपने काफी ज्यादा इस सेक्टर से आप अब तक रूबरू हुए हैं, बहुत ज्यादा एसएमई से आप दिन ब दिन मिलते हैं। क्या आपको लगता है कि वास्तव में जो कमल जी ने बात कही अभी कि इनको लगता ही नहीं है कि इनको वास्तव में मार्केटिंग की जरूरत है? तो इस बारे में मैं कहूंगा कि मैं आधा सहमत हूं और आधा बिल्कुल ही सहमत नहीं हूं। जी, आधा सहमत यहां तक क्यों हूं कि बहुत सारे एसएमईज बी2बी सेक्टर को बिलोंग करते हैं जी, और जिनके की कुछ गिने चुने सेट ऑफ कस्टमर्स होते हैं या बायर्स होते हैं, तो वहां पे हो सकता है कि हाँ शायद मार्केटिंग की जरूरत कम है। लेकिन मार्केटिंग के लिए जो एवेन्यूज हैं, ये बात बिल्कुल सहमत हूं कि मार्केटिंग शुरुआत होती है सबसे पहले आपके अपने ब्रोशर से, अपने विजिटिंग कार्ड से, अपने लेटर हेड से, अपने साइन बोर्ड से। वो ही दुरुस्त नहीं होता है कई बार तक, और लोग एडवर्टाइजिंग की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। मार्केटिंग को एडवर्टाइजिंग से बहुत कंफ्यूज किया जाता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन जिन लोगों के पास अपना मार्केटिंग का बेसिक्स ठीक भी है, उनके लिए एडवर्टाइजिंग पे अगर आप देखें, स्मॉल बिजनेस को एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत एवेन्यूज नहीं अवेलेबल है आज भी, और पहले तो बिल्कुल ही नहीं थे। अगर आप देखें तो अखबार, प्रिंट मीडिया या टेलीविजन, सिर्फ ये बड़े नेशनल लेवल के मीडिया थे या बहुत यू नो लार्ज स्केल मीडिया हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव हैं एक स्मॉल बिजनेस को अपना मार्केटिंग करने के लिए। छोटी छोटी मार्केटिंग की टैक्टिक्स उसको नहीं अवेलेबल थी, इसीलिए वो पैम्फलेट छपवा के बांटने का काम, सड़कों पे अनऑथराइज बैनर लगवाने का काम। तो ऐसा नहीं कि वो मार्केटिंग करना नहीं चाह रहा है, अगर नहीं करना चाह रहा तो आपको हर पिलर एंड पोस्ट के ऊपर पैम्फलेट चिपके हुए नहीं मिलेंगे, हर दीवार के ऊपर रंगे हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के तरीकों